I make a scene or two. I regularly hunt for y'all. None of it matter at the end of all. I find to be seeing the cause. Jumping to go to the mental state. I don't fuck with none. Y'all see it's a face. See it's a way of playing. How to seek it. व्हाट्सअप गाइस 8 बिट्स मोके। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं गोस्ट पैराडे ड्राफ्ट चैलेंज एंड एज यू कैन सी हम करंटली 4 विंस पे एंड आप लोग हज़ार बार हारो तो भी इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि ये चैलेंज को लॉसेस नहीं है, कितने बार भी हारो तो खेल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमें सिर्फ 3 विंस होना चाहिए एंड उसके बाद एपिक टोकन प्लस द लेजेंडरी टोकन एंड लाइटनिंग चेस्ट मिलेगा। एंड इस चैलेंज का टिप है गाइस, आपको स्प्लैश जो डैमेज करते हैं नहीं तो बहुत HP है वैसे कार्ड लेना चाहिए। इसलिए मैं इधर रैस्कल्स एंड इधर देखो परफेक्ट हमें डार्क प्रिंस मिला एंड इसके बाद बहुत रॉयल गोस्ट होंगे। अगर मैं डार्क गॉब्लिन लिया तो वो झटके में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं मस्किटीर को ले लिया एंड इधर ऑफकोर्स मैं गोलम के साथ जाऊँगा क्योंकि उसको बहुत हेल्थ है एंड डिफेंस पे भी यूज़ कर सकते हैं जब हज़ार रॉयल गोस्ट आता है तो फील्ड पे। एंड वैसे ही टाइम एक मिनट के बाद डबल एलिगर होएगा एंड डबल रॉयल गोस्ट भी स्पॉन होने लगेगा एंड फील्ड में बहुत रॉयल गोस्ट भी आने लगेंगे। इसलिए रैम राइडर आ रहा है लेफ्ट पे तो हम हाई मस्किटीर डाल के रैम राइडर को भी फिनिश किया एंड राइट का जो रॉयल गोस्ट है उसको भी ख़त्म किया एंड इधर आई विल यूज माई रैस्कल्स टू काउंटर द रॉयल गोस्ट प्लस द वॉल्करी। अच्छा हुआ एंड वो ऑलरेडी फायर बॉल के साथ जा रहा है, देखते गाइस क्या होगा। तो आई विल गो विद माय बैटल रैम इन फ्रंट ऑफ द रॉयल गोस्ट एंड वैसे ही रॉयल गोस्ट आएगा वो या आपका जो हमारे टावर में स्पॉन करते हैं उसको थोड़ा डैमेज लेके जैसे आप राइट में लेके काउंटर कर जाता है बट आपको थोड़ा देख ही खेलना पड़ेगा। देखो डबल एलिजम में दो रॉयल गोस्ट स्पैम हो रहा है एंड गोलम के साथ डार्क प्रिंस चार्ज हुआ एंड उसको स्प्लैश डैमेज दिया एज यू कैन सी। एंड इधर वी विल यूज आवर एरोस टू द डार्क गॉब्लिन एंड वी विल काइट विद द बैटल रैम एंड मुझे पता नहीं इसका रॉकेट का क्या पॉइंट है, फालतू में वेस्ट कर रहा है। देखो गाइस डार्क प्रिंस बहुत काम कर रहा है रॉयल गोस्ट के सामने एंड अगेन हाई मस्क यूज करते हैं एंड वी विल गो विद द गोलम कॉज दो रॉयल गोस्ट टावर पे कनेक्ट हो चुके हैं एंड उनको किल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो गोलम पूरा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है एंड आई थिंक हमें 3 जोन मिल जाएगा पक्का क्योंकि उसके पास कुछ बिल्डिंग नहीं है स्टॉप करने एंड ऑलरेडी किंग टावर पे फायर बॉल थ्रो कर रहा है। दैट्स गुड गेम। Let's go to the next match. And वही टिप है गाइस, जैसा टाइम जाएगा थोड़ा पैनिक मत करो, स्लोली खेलो एंड जो स्प्लैश डैमेज करता है बॉलर डार्क प्रिंस बिल्डिंग हो तो और भी अच्छा रहेगा जैसा कि बॉम्ब टावर या वॉल करे। इधर मैं आई विल गो विथ द कलेक्टर कॉज मे बी वी विल गेट मोर एलिक्सर एंड आई विल टेक मिनी पैका एंड अगेन सेम चॉइस जो लास्ट में था मस्किटीर पे जाऊंगा एंड इधर मैं माइनर लेना चाहूंगा गाइस क्योंकि अगर मैं उसको माइनर दिया तो वो सीधा मेरा कलेक्टर पे डालेगा एंड मेरे पास कुछ डिफेंस के लिए नहीं होगा तो इसलिए आई विल गो विथ द माइनर। एंड अगर उसके पास स्पेल हो तो थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि हमारा जो विन कंडीशन सिर्फ हॉग लग रहा है एंड उसके पास गॉब्लिन केज भी है थोड़ा, इसलिए हमें स्लोली खेलना पड़ेगा सिर्फ उसके पुश को डिफेंड करके अच्छा मौके पे काउंटर पुश करना चाहिए बस। एंड आई विल यूज माय मिनी पैक एंड ही ड्रॉप द हिज बैटल रैम तो अच्छा मोमेंट पे तो आई विल गो विथ द कलेक्टर इन द बैक बिकॉज ऑलरेडी जो रॉयल गोस्ट है राइट टावर पे 1450 पे डैमेज कर चुका है तो इसलिए अगर उसके पास स्पेल हो तो और भी डैमेज करेगा तो इसलिए आई वेंट इन द लेफ्ट एंड हमारे पास उतना कुछ कार्ड्स नहीं है जो डिफेंस कर सकते तो इसलिए वी हैव टू यूज अ माइनर एंड स्नोबॉल भी यूज करना पड़ेगा टू दैट रॉयल गोस्ट नहीं तो बहुत डैमेज कर लेगा एंड और एक कलेक्टर चला जाते ताकि और भी एलिक्सर प्रोड्यूस कर सके बट इसके पास पॉइजन है एंड वो ऑलरेडी यूज
किया, बट मेरे कलेक्टर के ऊपर क्या नहीं, सिर्फ रॉयल गोस्ट के ऊपर उसका चार चार रॉयल गोस्ट आ रहा है गाइस। एंड रॉयल गोस्ट पुश करके मेरा स्पीयर गोब्लिन को पहले किल कर दिया। एंड हमारा थर्ड कलेक्टर जाता है, आई थिंक ही विल यूज हिज पॉइजन। यस देयर इज पॉइजन। एंड अगेन हमें सिर्फ डिफेंसिव खेलना है। एंड अभी चलते हैं विद और माइनर प्लस हॉक पुश, देखते हैं। एंड उसका जो डार्ट गोब्लिन था वो मेरा माइनर के मुंह पे डाल दिया वो सीधा। एंड अगेन हमें सिर्फ डिफेंड करना है गाइस, क्योंकि उसका टावर राइट टावर का ले लिए। एंड लेफ्ट पे 1670 पे बचा है। एंड आई थिंक ही विल टेक अ राइट टावर बाय यूजिंग द पॉइजन प्लस लॉग। एंड जो रॉयल गोस्ट बहुत आ रहा है उसके पास, उसको हमारे पास एग्जैक्ट काउंटर नहीं है। और जो उनका इनविजिबिलिटी जो एबिलिटी है उसको मतलब कुछ कर नहीं सकते। देखो गाइस थोड़ा डिफेंस करना ट्राई करेंगे जब हमारा पीछे से दो रॉयल गोस्ट आएगा, बाकी कुछ करे। देखो अभी काम कर रहे हैं वैसे मैं सोचा था। एंड हमें लेफ्ट टावर भी मिल चुका है, चलो अब थ्री क्राउन के लिए चलते हैं, और कुछ करने के लिए है नहीं। एंड पहले उसको जो डार्ट गोब्लिन है उसको किल करना ट्राई करते हैं। एंड जो हमारे पीछे से स्पॉन करता है वो ऑलरेडी, उसका रॉयल गोस्ट को सिर्फ जगाना है। एंड हमारा जो पीछे से आ रहा है उसको वो काउंटर कर लेगा। आई थिंक वी कैन डिफेंड दिस पुश। एंड या सिर्फ डिफेंड करना, चलो मिनी पैक डाल देते हैं। एंड या वी वॉन दिस मैच, वी जस्ट हैव टू विन वन मोर गेम गाइस। चलो देखते हम एक भी लॉस लेते या सिर्फ वही टिप है गाइस इस चैलेंज का, पैनिक मत करो, स्लोली खेलो। एंड जो आपका डिसीजन है, जो ड्राफ्ट में आप चूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है, एंड थोड़ा मूव्स के ऊपर जैसे आप खेलते हो। इधर वी विल गो विद आवर गोलम कज मैं बोला था आपको। एंड पॉइजन या एंड आइस गोलम लेते हैं इधर। एंड अगेन डार्क पेंस मिला, बहुत अच्छा हुआ, थोड़ी सी अच्छा गोलम डेक हुआ, बट आइस गोलम डजंट मेक एनी सेंस विद इन माय डेक। बट देखे एंड आई थिंक हमारा जो एयर डिफेंस है मुझे लग रहा है कि सिर्फ प्रिंसेस प्लस इलेक्ट्रोविजर्ड एंड पॉइजन एंड उसके पास लावा है, थोड़ा हार्ड होगा। बट देखे हमारे पास एलिक्सर गोलम प्लस दो दो गोलम है, दो बायलोग, एंड देखना पड़ेगा क्या होगा। Should I go with my golem? I think yes, because मेरा डार्क प्रिंस प्लस रॉयल गोस्ट पचा एंड पीछे से प्रिंसेस बैकअप दे रहा है, सो ऑफ कोर्स वी विल गो विद आवर ई गोलम, देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक ही विल डिफेंड आवर पुश एंड उसको फ्री फोर एलेक्सर मिलेगा, इसका बहुत बड़ा पुश है, तो इसलिए आई विल गो विद माय डिफेंसिव पॉइजन, बिकॉज उसका कैनन कार्ड जो है बहुत अनोइंग है, प्लस मस्किटीर एंड द रॉयल गोस्ट को भी थोड़ा डैमेज लगेगा। बट देखो वैसे ऑलरेडी ब्रिज पे लावा डाल चुका है जब मेरा एलेक्सर गोलम के चार एलेक्सर मिले। एंड आई थिंक दोनों वॉल ब्रेकर कनेक्ट हो जाएंगे। यस मेरा बैंडिट को भी स्प्लैश डैमेज मिला एंड वो भी ख़त्म हो चुका है। एंड कैन वी डिफेंड इस लावा, दैट्स द क्वेश्चन। आई थिंक वी कैन नॉट डिफेंड इस लावा, सो आई विल जस्ट यूज माई पॉइजन टू टेक डाउन हिस टावर। एंड ये 800 HP लीड पे, तो इधर हमारा जो काम है हमें सिर्फ प्रिंसेस स्टैक करना होगा, क्योंकि उसके पास कुछ स्पेल नहीं है हमारे प्रिंसेस को किल करने। एंड देखो गाइस प्रिंसेस थोड़ा काम आ रहा है, अगेन वी विल गो विद आवर एलेक्सर गोलम एंड प्रिंसेस को सेफ रखने ट्राई करेंगे। एंड इधर अभी विल यूज आवर पॉइजन टू टेक डाउन हिज कैनन कार्ट, एंड उसका टावर मिल गया आई थिंक, यस मिल गया। मेरा लेफ्ट जो प्रिंसेस था उसको ले लिया एंड उसका ब्रिज पे लावा आ रहा है, अगेन हमें इस पर डिफेंड करना होगा नहीं तो बहुत टफ होगा। एंड जो चार्ज का डार्क प्रिंस था, देखो गाइस बहुत काम हो रहा है एलेक्सर। एंड मैं इधर एलेक्सर गोलम डाल दिया क्योंकि जो दो रॉयल गोस्ट थे वो कनेक्ट हो पाए, जैसे लास्ट मैच में देखे आप। ये सब डाल रहा है पॉइजन के अंदर, सिर्फ डिफेंड करना है। एंड जो एलेक्सर गोलम है गाइस, मुझे पता नहीं क्या हुआ बट उसका थ्री क्राउन हो गया। वही गाइस पैनिक मत करो, अच्छा जो स्प्लैश डैमेज करता है वो ट्रूप्स ले लो एंड नो लॉसेस
फ्री दिलदार कितने बार भी एंटर हो जाओ वैसे कह लो. That's it for today. I hope you guys enjoyed the video. If you guys enjoyed the video, make sure to subscribe to the channel if you guys are new here. And मैं क्लोज हूँ 4000 फॉलोअर्स के इंस्टाग्राम पे, ज़रूर फॉलो कर देना. इट्स @8bitsmoke ऑन इंस्टाग्राम. एंड मुझे इधर जो एपिक में मुझे चाहिए इलेक्ट्रो जायंट, देखते क्या मिलता है. अभी जो 106 फायरक्रैकर्स मिला है वो ऑलरेडी मैक्स है. एंड रेयर में मेरा पूरा सब कुछ मैक्स है. बट मुझे वैसे भी कुछ मिला तो भी फ़र्क नहीं पड़ता. हीलर एंड दी मुझे चाहिए क्या, हाँ इलेक्ट्रो जायंट चाहिए. चलो देखते हैं. बेबी ड्रैगन प्लीज, कैनन कार्ट इलेक्ट्रो जायंट प्लीज. अरे यार लाइटनिंग मिला. चलो गाइस सी या.